हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, आज हम देखने जा रहे हैं निर्यात की प्रक्रिया क्या है, निर्यात की कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, क्या क्या स्टेप होता है, इस सब हम इस वीडियो में देखेंगे। कॉमर्स में हमारी जितनी भी परीक्षाएँ कॉमर्स की होंगी, जहाँ की कॉमर्स इम्पोर्टेंट है, यानी कि कॉमर्स आता है, वो सारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसकी दृष्टि से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉमर्स जो निर्यात की प्रक्रिया है वो कौन कौन सी है, ये चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है कि निर्यात की प्रक्रिया कहाँ से शुरुआत होती, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो देखते हैं निर्यात की प्रक्रिया। सबसे पहले देखिए निर्यात की प्रक्रिया, निर्यात क्या होता है, आपको ये पता है कि निर्यात क्या होता है कि जब कोई जब अपने देश से, यानी कि जिस देश में आप निवास करते हैं, उस देश से दूसरे देश को माल भेजा जाता है, वो निर्यात कहलाता है। सिंपल सा फंडा है। नी का मतलब निकालना, यानी कि जब आप अपने देश से कोई माल दूसरे देश को निकालते हैं तो सिंपल सा है, निर्यात कहलाता है। परिभाषा कहीं नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है। बस इतना हो गया आपका। अब हम चलिए प्रोसीजर की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है कि प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले देखिए जो प्रक्रिया शुरू होती है निर्यात व्यापार की, वो कहाँ से शुरू होती है, वो शुरू होती है आपकी निर्यात व्यापार प्रक्रिया में पूछताछ से। जब कोई विदेशी आपसे, विदेशी व्यापारी आपसे माल मंगाना चाहता है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, आपसे इंक्वायरी करेगा, यानी कि पूछताछ करेगा। पूछताछ में क्या होगा, यदि पूछताछ करेगा, यानी कि पूछताछ में क्या करेगा, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे पूछताछ करेगा, तो पूछताछ का आपको सबसे पहले उत्तर देना पड़ेगा निर्यातक को। तो पूछताछ का उत्तर देना, देखिए पहली जो सबसे बड़ा सवाल है कि पूछताछ में कोई भी व्यापारी जब किसी दूसरे देश से माल मंगाता है, तो वो चाहता है कि माल अच्छा क्वालिटी का हो और सस्ता, हमारे देश से कम सस्ता मिले। तो सिंपल सी बात है कि वो माल के बारे में समझ, जानकारी, रेट पूछेगा और क्वालिटी पूछेगा, कैसे भेजे जाएंगे, वो सारी चीज़ें वो आपसे पूछेगा। तो आपको पूछताछ का उत्तर देना पड़ेगा। वो किसी भी माध्यम से हो सकता है, डाक के माध्यम से हो सकता है, तो आजकल तो फ़ोन का ज़माना है, फ़ोन के माध्यम से हो सकता है, वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन भी वो जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो ये आपका पूछताछ कर लेगा। जब वो पूछताछ कर लेगा, तो आप जब पूछताछ से आप जब रिप्लाई कर देंगे, तो अगर वो पूछताछ से आपसे संतुष्ट है आपकी सारी बातों से, तो वो क्या करेगा, आदेश दे देगा, यानी कि दूसरा आदेश प्राप्त करना। ये निर्यातक की दृष्टि हम देख रहे हैं, इसलिए आदेश प्राप्त करेगा, आदेश प्राप्त करना। रिसीव इंडेंट, इंडेंट जब हम आयात व्यापार पर रहे थे, तो वहां पे भी हमने इंडेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक यहीं पे ये भी है कि जब एक आयातक जो है क्या करता है, जानकारी मांगता है, यानी कि जो आयातक देश है वो निर्यातक से जानकारी, निर्यातक को आदेश देगा कि कौन को, हमको माल क्या चाहिए। इंडेंट दो प्रकार का होता था, हमने वहाँ बताया था, एक खुला इंडेंट, एक बंद इंडेंट। जब कोई नया व्यापारी होता है, वो जो है वो बंद इंडेंट देता है, यानी कि वो सारी डिटेल्स, आपको माल किससे भेजना है, किस जहाज़ से भेजना है, किस प्रकार से भेजना है, ये सारी समस्त जानकारियाँ आपको देनी पड़ेंगी, वो लिख के देता है। तो आपको वो क्या है, उस माध्यम से वो बंद इंडेंट कहलाता है, यानी कि आप कुछ भी करने के लिए अपनी तरफ से स्वतंत्र नहीं है। जो व्यापारी चाहेगा, जो आयातक जो बातें लिखेगा, आपको हर काम उसी प्रकार से करना है। ठीक है, तो ये बंद इंडेंट हो जाएगा। और खुला इंडेंट जो है आपको छूट दे देगा कि आपको बस नॉर्मल चीज़ें ऑर्डर दे देगा, ये हमको इतना पीस चाहिए, और उसकी वैरायटी बता देगा, उसके बाद पैकिंग आदि, उसको कैसे भेजना है, इस सभी चीज़ों में निर्यातक स्वतंत्र होता है। वो क्या होता है, वो आदेश प्राप्त करना, यानी कि इंडेंट प्राप्त करना। तो इसको आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्या होता है, दो ये बड़ी चीज़ें हैं, पूछताछ का उत्तर हो गया, आदेश प्राप्त हो गया। अब जो निर्यातक है वो क्या करेगा कि किसी, आप जैसे कि किसी दुकान में एक दूसरे से, आप मान लीजिए कि गांव में निवास करते हैं और शहर का कोई व्यापारी, ठीक है, आपने उसे फ़ोन पे पता कर लिया, जानकारी कर ली और उसको बोल दिया, या भैया इतना इतना माल हमको भेज दीजिए, ठीक है,
अब क्या होगा कि वो का आप कहे हैं कि इतना इतना माल हमको भेज दीजिए, तो वो क्या करेगा कि आपको ऐसे माल तो आपको अभी जानता भी नहीं है, आपको ऐसे माल कैसे भेज सकता है। तो उसके लिए कुछ साख वोख चाहिए, आपको क्रेडिट होनी चाहिए, कैसे आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट कर पाएंगे या नहीं, ये सारी चीज़ें भी निर्यातक जानना चाहता है। तो यही होता है अगला जो होता है क्रेडिट साख, यानी कि क्या होता है साख पत्र होता है। साख पत्र होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो जब निर्यातक व्यापारी आपसे आयातक से पूछता है कि आप अपनी साख के बारे में कुछ दीजिए या बैंक की गारंटी दीजिए जिससे कि हम वो माल आपको तैयार करके भिजवा सकें, तो इसमें क्या होता है कि देखिए निर्यातक आयातकर्ता से साख पत्र की जब मांग करेगा तो आयातकर्ता क्या होगा कि अपने बैंक जाएगा, बैंक से साख पत्र जो है जारी करने की मांग करता है, जहाँ पे उसका खाता होता है, जहाँ से वो लेन देन करता है, वहाँ से क्या करेगा कि वो साख पत्र यानी कि क्रेडिट लेटर जारी करने के लिए कहेगा। यदि बैंक जो है बिना किसी गारंटी के विपत्र जारी कर देगा, यानी कि बिना किसी शर्त के जो है ये साख पत्र जारी कर देगा, तो ये क्या होता है, ये खुला साख होता है या साफ साख होता है, क्योंकि व्यापारी ने एक बार बोला यानी कि उसकी अच्छी साख है, खुली साख है, उसका सारी चीज़ खुले हैं, तो बैंक उस पर विश्वास करता है और तुरंत साख पत्र जारी कर देता है, तो इसे खुला साख कहते हैं। लेकिन यदि बैंक खुला इस तरह की साख नहीं जारी करता, उसके कहने पर उसके बदले में वो कुछ गारंटी या कहता है कि आप पैसा जमा करिए इतना तब हम साख जारी करेंगे, तो वो दूसरी प्रकार की साख होती है, यानी कि वो खुली बंद साख कहलाती है। यहाँ पे इसी प्रकार से वो डिटेल्स की जानकारी आपको मांगेगा। तो खुली साख बंद साख आप समझ गए होंगे। साख पत्र जरूरी है क्योंकि जो निर्यातक है वो संतुष्ट होना चाहता है कि आप पेमेंट कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, वो माल भेज दिया तो उसका पैसा फंस जाएगा, वो आपको जानता भी नहीं, कहाँ आपको ढूंढेगा। ठीक है, तो अगला हो जाएगा, ये हमारा हो गया साख पत्र हो गए। अब अगला हो जाएगा विनिमय दर। रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना, तो ये विनिमय दर होगी। अब विनिमय दर क्या होती है, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, विनिमय दर वह दर होती है जैसे कि आप बैंक के पास, आप अमेरिका से कोई सामान अमेरिका को निर्यात करना चाह रहे हैं या अमेरिका से निर्यात मतलब आयात करना चाह रहे हैं, दोनों चीज़ होगी, तो आप अपने बैंक से इस दशा में क्या हो जाएगा कि विनिमय दर निर्धारित करने के, जो ये निर्यातकर्ता होगा वो विनिमय दर निर्धारित करेगा कि वो मान लीजिए कि वो 10,000 का माल अमेरिका में भेजेगा। ठीक है, तो 10,000 का माल भेजेगा तो वो इसकी दर क्या होगी, अमेरिका में कभी डॉलर के मुकाबले रुपया जो है 75 रुपये हो जाता है, कभी 74 रुपये, कभी 73 रुपये, तो इस प्रकार से यदि वो करेगा, मान लीजिए कि जिस दिन वो उसको आदेश प्राप्त हुआ उस दिन 73 रुपये हुआ, ठीक है, उस दिन 75 रुपये डॉलर का मूल हुआ, और जब वो माल तैयार कर रहा है उसे भेज रहा है तो डॉलर का मूल घट के कितना हो जाएगा, 70 हो गया। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि निर्यातक को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, इसीलिए वो बैंक से क्या कहता है कि बैंक विनिमय दर निश्चित करिए, इस दर पे हम ये माल भेजेंगे और इस दर से हमें जो है पैसा प्राप्त होना चाहिए, तो इसी को कहते हैं विनिमय दर, यानी कि बैंक दोनों देश अपने बैंक से कहते हैं कि विनिमय दर निश्चित कीजिए जिससे कि हमें इसी रेट पे क्या होगा पेमेंट मिले। ठीक है, क्लियर हो गया ना अब आपको, तो अगला हम देखते हैं। अब चलिए, अब ये सारी चीज़ें, अब व्यापारी कंफर्म हो गया है कि आपको उसको पैसा मिल जाएगा सारी चीज़ें, तो अब क्या करेगा, वो माल को एकत्रित करने लगेगा या माल का निर्माण शुरू कर देगा। ठीक है, तो पांचवा है माल एकत्रित करना, एकत्रित व पैकिंग करना। अब देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे, अब जो है व्यापारी जब संतुष्ट हो गया निर्यातक, तो वो क्या करेगा, अब माल की व्यवस्था करेगा कि जितना माल उसको भेजना है उसको कैसे या कैसे तैयार किया जाए, कब तक तैयार करना है ये भी देखना है, और उसकी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब विदेश में माल जाता है तो उसकी पैकिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। पैकिंग अगर जिस प्रकार से सामान है उस प्रकार से उसको क्या करना पड़ेगा, पैकिंग करनी पड़ेगी,
इसको अगर नग में है तो नग में करना पड़ेगा, बोरी में है तो बोरी में करना पड़ेगा, पेटी में है तो पेटी में करना पड़ेगा, और अच्छी पैकिंग होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से कई बार उसको कहीं ट्रांसपोर्टेशन के लिए उतारना चढ़ाना पड़ेगा। इसलिए यदि टूटने वाली चीज़ है तो उसको उस प्रकार से उस पर निशान लगाना तथा पैकिंग पे जो है आयातक का नाम लिखना, वहाँ पे नग की संख्या, सारी डिटेल्स वहाँ पे दे देनी है और पैकिंग अच्छे से करनी है जिससे कि माल ख़राब ना हो या नष्ट ना हो, टूटे फूटे ना, तो ये हो जाएगा। अब अगला क्या हो जाएगा, प्रेषक प्रतिनिधि की नियुक्ति करना। प्रतिनिधि की नियुक्ति करना, देखिए ज़्यादातर व्यापारी जो होते हैं वो जब निर्यात करते हैं तो वो अपने माध्यम से करते हैं, अपने माध्यम से सारा माल तैयार करेंगे, लेकिन देखिए अब उन्होंने माल तैयार कर लिया, उसके बाद एयरपोर्ट तक यानी कि बंदरगाह तक उसको भेजना, बंदरगाह पे बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना, उसके बाद जहाज़ पर भेजना, बीमा कराना, ये सारे काम कराने में बहुत समय जाता है और बहुत लंबी प्रक्रिया है ये। तो इसके लिए क्या होता है कि निर्यातक क्या करता है कि ज़्यादातर एक कोई प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है। अब वो सारा काम माल एकत्रित व पैक करने के बाद ये जो है माल प्रतिनिधि को सौंप देगा, ये प्रतिनिधि एक कमीशन पे होता है, ये प्रतिनिधि को नियुक्त कर देगा। अब वो क्या हो जाएगा, यहाँ से माल की सारी जिम्मेदारी प्रतिनिधि को निर्यात करने तक हो जाती है। तो प्रतिनिधि क्या करेगा, माल को भेजेगा, आयातक से संपर्क करेगा, जो भी सारी चीज़ें होंगी, माल को बंदरगाह तक ले जाना, वहाँ पे जहाजी बिल प्राप्त करना, उसका बीमा करवाना, उसको गोदी यार्ड में ले जाना, उसके बाद जहाज़ पे लदवाना, ये सारी चीज़ों का काम प्रतिनिधि का फिर हो जाएगा। अगर प्रतिनिधि नहीं नियुक्त किया है तो व्यापारी खुद या अपने कर्मचारी के माध्यम से ये कार्य करेगा। तो यहाँ पे प्रतिनिधि की नियुक्ति करना ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो प्रतिनिधि के माध्यम से अगर माल भेज रहा है तो प्रतिनिधि क्या 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 काम होगा इसको आपको देखना हो। अब क्या होगा, अब ये माल, अब प्रतिनिधि क्या करेगा, यदि प्रतिनिधि है तो वो माल को बंदरगाह वाले शहर में भेजना, अब देखिए मान लीजिए कि आप माल दिल्ली से भेज रहे हैं, लखनऊ से भेज रहे हैं और आपको बम्बई पोर्ट से माल भेजना है, तो यहाँ से ये लंबी दूरी हो जाती है, तो माल को पहले आप प्रतिनिधि के माध्यम से, अपने कर्मचारी के माध्यम से, उसको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उसको कहाँ बंदरगाह तक माल को आपको भेजना पड़ेगा, तब जाके वो बंदरगाह पे माल पहुँचेगा, तभी निर्यात की स्थिति में होगा। या तो आप एयर फ्लाइट से करते हैं यानी कि फ्लाइट से आप भेजते हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं आपको जहाँ पे पोर्ट है, एयरपोर्ट है, वहाँ तक आपको भेजना पड़ेगा। तो ये माल को वहाँ तक भेजना, उसकी व्यवस्था करना, उसके सारे खर्चे उठाना, ये सारे काम व्यापारी करता है या निर्यात प्रतिनिधि करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया माल को बंदरगाह वाले शहर में भेजना। अब विदेशी चुंगी घर की अनुमति प्राप्त पत्र प्राप्त करना। अब देखिए जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, विदेशी चुंगी सॉरी विदेशी चुंगी कर से अनुमति प्राप्त करना। अब देखिए आपको जिस देश में माल भेजना है वहां पे भी आपको अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि आप माल भेज पाएंगे, ये आयातकर्ता करेगा, लेकिन वो अनुमति, जो अनुमति पत्र होता है ये निर्यातक के पास भी आता है। तो विदेशी जो है वहाँ पे प्राप्त करना पड़ेगा कि आप वहाँ पे क्या उस देश में वो माल जा सकता है या नहीं, उस देश में आयात के लिए क्या पॉलिसी हैं, क्या निर्यातक इसको ये माल भेजेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सारी चीज़ें, इसलिए विदेशी चुंगी कर से अनुमति प्राप्त करना कि ये माल जा रहा है, आप हमको अनुमति पत्र भेज दीजिए, हम माल भेजेगा। उसके बाद अब क्या है, अगला है, ये सारी चीज़ें हो गई, जो है बंदरगाह पे माल भी पहुंच गया, अब क्या होगी, जहाज की व्यवस्था करना।
अब देखिए क्या हो गया कि आप माल आपका जो है पोर्ट पे पहुंच गया, तो आप किस जहाज़ से माल भेजना चाहते हैं इसको आपको जानना ज़रूरी है। यदि आप माल को बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए आप एक या जहाज़ बुक करनी पड़ेगी या जहाज़ का कोई एक पार्ट बुक करना पड़ेगा। तो किस जहाज़ से माल जाएगा, किस दिन माल जाएगा, उसके लिए इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, निर्यात प्रतिनिधि का काम होता है कि जहाज़ की व्यवस्था करना, आपके माल के हिसाब से आपको जहाज़ की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये आपका हो गया। अब जहाजी आज्ञा पत्र जो है प्राप्त करना, अब जहाजी आज्ञा प्राप्त करना, जहाजी आज्ञा, तो पहला काम होगा जहाजी आज्ञा, यानी कि आप जहाज से माल भेजना चाहते हैं तो आपको पोर्ट में आज्ञा लेनी पड़ेगी, यानी कि आप जहाज से माल भेजना चाहते हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, पत्र प्राप्त करना, यानी कि जो आप जहाजी आज्ञा लेंगे उसमें ये पत्र प्राप्त करेंगे कि आप मेल जो है माल भेज सकते हैं। तो पत्र प्राप्त करना पहला इसमें प्रोसीजर हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पत्र आप जब प्राप्त कर लेंगे कि आप माल भेज सकते हैं, तो यहाँ पे अगला क्या स्टेप हो जाएगा, तैयार जहाजी आज्ञा पत्र। अब क्या करना है कि वहाँ पे आपको एक तो आज्ञा पत्र प्राप्त करेंगे, एक तैयार जहाजी आज्ञा पत्र यहाँ पे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तैयार जहाजी आज्ञा पत्र, तो यहाँ पे तैयार जहाजी आज्ञा पत्र, ये दो प्रकार के आज्ञा पत्र होते हैं, एक तैयार जहाजी आज्ञा पत्र हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाता है, अग्रिम जहाजी आज्ञा पत्र। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तैयार जहाजी आज्ञा पत्र हो जाएगा और दूसरा जो हो जाएगा आपका अग्रिम जहाजी आज्ञा पत्र, और एक यहाँ पे हो जाएगा तीसरा मृत भाड़ा। देखिए इसमें क्या होता है कि आपको जिस यहाँ पे क्या होता है कि जिस जहाज़ से आपका माल भेजा जाएगा, जिस दिन भेजा जाएगा, जिस समय भेजा जाएगा, उसकी आपको पत्र के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी, यानी कि आपका जो है माल तैयार है, किस जहाज़ से भेजा जाएगा उसकी सारी सूचना दे दी जाएगी। अग्रिम जहाजी में क्या होता है कि इसमें आपको सूचना नहीं दी जाएगी, यानी कि उस दिन आपका माल भेजा जाएगा लेकिन किस जहाज़ से भेजा जाएगा वो जानकारी इसमें नहीं होगी। तो अग्रिम जहाजी पत्र, यानी कि उस पहले से उसमें आपको नहीं बताया जाएगा किसमें से माल आपको भेजा जाएगा। अमृत भाड़ा क्या होता है कि आपकी डेट फिक्स हो गई, आपका जहाज़ में एक निश्चित हिस्सा फिक्स हो गया कि यहाँ से आपको माल इस जहाज़ से जाएगा, लेकिन आपके ने क्या किया कि माल ही नहीं भेजा। तो माल नहीं भेजेंगे तो आपको क्या होगा कि भाड़ा आपको चुकाना ही पड़ेगा, आप माल भेजिए चाहे नहीं, तो वो क्या होता है आपसे भाड़ा वसूल कर लिया जाता है। तो आप माल नहीं भेजते हैं और आपको भाड़ा देना पड़ता है, तो वो मृत भाड़ा कहलाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाए, जहाजी बिल भरना तथा निर्यात कर का भुगतान करना, ठीक है। दसवां पॉइंट क्या हो जाएगा, जहाजी बिल भरना तथा निर्यात पत्र प्राप्त करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि जहाजी बिल भरना तथा निर्यात कर का भुगतान करना, निर्यात कर का भुगतान करना। देखिए जब आप निर्यात करते हैं, यानी यहाँ पे आप पत्र प्राप्त कर लिए, अब एक क्या होगा कि आपको माल भेजने के लिए क्या होगा कि कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, जहाज़ का जो पेमेंट होगा यानी कि जो भाड़ा होगा उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप पेमेंट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे बिल भरना, जो भी बिल है आपके डॉकयार्ड के जो खर्चे हैं, वहाँ के लोकल जो खर्चे हैं ट्रांसपोर्टेशन के, आपको एक जगह माल स्टोर करेंगे उसके बाद वहाँ से जहाज़ पे जाएगा, ये जो हैं ये सारे बिल भरना तथा निर्यात
निर्यात कर का भुगतान कर, जो भी निर्यात के नियम है उसको आप भुगतान करेंगे। एक मुक्त निर्यात व्यापार होता है। मुक्त निर्यात व्यापार क्या होता है कि जिसमें कि आपको निर्यात कर नहीं लगता। कुछ ऐसे माल होते हैं जिसको आप निर्यात कर सकते हैं, उसमें टैक्स नहीं लगता है। दूसरा होता है सहित कर होता है, तो जो कुछ प्रकार के जो होते हैं उसमें क्या होता है कि माल को एक आपको माल को जो भेजने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स की जो दर निश्चित होगी। और तीसरा होता है एक मुक्त व्यापार होता है, मुक्त निर्यात होता है। मुक्त निर्यात में क्या होता है, जब आप एक ही देश के एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पे माल भेजते हैं तो आपको कोई निर्यात कर नहीं देना पड़ता है। जैसे कि आप कोलकाता बंदरगाह से मुंबई बंदरगाह में माल भेजना चाहते हैं, इसके लिए आपको कोई भी निर्यात कर नहीं देना पड़ेगा। तो ये तीन प्रकार के होते हैं निर्यात कर, एक मुक्त होता है, एक कर सहित कर होता है, और एक क्या होता है कि एक ही देश में विभिन्न पोर्टों पे जब माल भेजा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, निर्यात मुक्त कहेंगे, या एक ही देश के विभिन्न बंदरगाहों पे निर्यात फ्री टैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका जहाजी बिल का भरना। अब जहाजी बिल जब आप भर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कप्तान की रसीद प्राप्त करना। ठीक है, जहाजी बिल जब आप यहाँ पे कर लेंगे तो इसके बाद हो जाएगा जहाज पर माल लादना। जहाज पर माल लादना, तो देखिए अब क्या होगा, जब आप बिल प्राप्त कर लेंगे तो आपको क्या होगा, अब जहाज पे माल लादना पड़ेगा, जो कि आपका एजेंट का काम है। आपको माल लादेगा या वहाँ के जो लोकल कर्मचारी होंगे वो आपको जहाज पे आपको जो स्थान फिक्स होगा वहाँ पे माल लादेंगे। माल लादते वक्त तो माल की पैकिंग आदि को चेक किया जाएगा कि माल की पैकिंग कैसी है। अगर अच्छी है तो यहाँ पे अच्छी बात है, नहीं तो वहाँ पे कुछ आपको दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब जहाज पे माल लाद लेंगे तो जहाज पर जब माल लद जाएगा तो कप्तान, जहाज का कप्तान होता है, आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं, इंग्लिश वर्जन यहाँ पे हम मिटा रहे हैं। यहाँ पे हमने 11 कर लिया है, 12वां क्या हो जाएगा, कप्तान की रसीद प्राप्त करना। कप्तान की रसीद प्राप्त करना, तो कप्तान की रसीद एक प्रकार दो प्रकार की होती है, एक स्वच्छ रसीद होती है, दूसरा क्या हो जाती होती है, दूषित रसीद। देखिए कप्तान का जो जहाज का जो मालिक होता है आप कह सकते हैं, जहाज का जो ऑपरेटर होता है, मुख्य ऑपरेटर होता है, वो कप्तान होता है। ठीक है, तो कप्तान जब आप माल लादेंगे तो वो माल को चेक करेगा, यदि माल की पैकिंग वैकिंग व्यवस्थित रूप से है, अच्छी है, तो क्या करेगा, कप्तान आपको रसीद देगा। वो दो प्रकार की होती है, यदि माल की पैकिंग अच्छी है, वो पूरी तरह संतुष्ट है, तो स्वच्छ रसीद देता है, यानी कि स्वच्छ रसीद काटी जाती है, यानी कि पूरी तरह संतुष्ट है। यदि वो माल की पैकिंग से संतुष्ट नहीं तो दूषित रसीद देगा। दूसरी स्वच्छ रसीद में माल की गारंटी उनकी होती है, लेकिन दूषित रसीद यदि दे दिया तो माल की उनकी जिम्मेदारी कम हो जाती है, यानी कि अगर माल को टूटने फूटने से आपकी, क्योंकि जहाज है पानी में थोड़ा बहुत अव्यवस्थित भी हो सकती है, असंतुलित भी हो सकती है, तो उसलिए पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। यदि माल की पैकिंग अच्छी नहीं तो वो दूषित रसीद आपको सौंपेगा। आगे हम बात करते हैं जहाजी, आपकी कप्तान की रसीद, उसके बाद जहाजी बिल्टी प्राप्त करना। ठीक है, 13वां क्या हो जाए, जहाजी बिल्टी प्राप्त करना। तो जहाजी बिल्टी जैसे कैसे प्राप्त करेंगे ये आपको जानना जरूरी है। देखिए जहाजी बिल्टी प्राप्त करने के लिए आपको क्या होता है, चार आप जब उसके ऑफिस में माल लग गया है तो आप ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे चार फॉर्म आपको मिलेंगे, जहाजी बिल्टी के रूप में चार फॉर्म मिलेंगे, उसको भर के आपको वहाँ पे जमा करना पड़ेगा, और तीन उसमें से आपको वापस कर दिए जाएंगे, और विभिन्न जो टैक्स हैं वो सारे यहाँ पे क्या जहाजी बिल के साथ जो है इसको टैक्स, सारे जो टैक्स हैं या जहाज का भाड़ा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। उसके बाद तीन रसीद आपको मिल जाएगी और एक जो है वहाँ पे रख लिया जाएगा।
तो इस प्रकार से जहाजी बिल्टी आपको वो मिल जाएगी कि आपका माल जो है जहाज से यहाँ से भेज दिया गया है, यह जहाज पे लद चुका है और आप माल का आपको पूरी तरह से किस प्रकार से है, दूषित है, स्वच्छ पैकिंग है, ये सारी जानकारी उसमें जो विभिन्न माल की सारी डिटेल्स है, क्या क्या माल है, कितनी कितनी मात्रा में है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो सारी चीज़ें कितने का है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी रहेंगी। तो इसमें ये जहाजी बिल्टी आपको मिल जाएगी। एक इस बिल्टी को आप क्या करेंगे, एक जो है बैंक के द्वारा निर्यातक को या किसी दूसरे माध्यम से निर्यातक को भेज देंगे, एक वहाँ के अधिकारी को, लोकल अधिकारी को जमा हो जाएगी और एक व्यापारी के पास होगी। तो इस प्रकार से चार कॉपी इसकी बनती है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से आगे जब बढ़ेंगे तो अब ये हो जाएगा माल की अब बीमा कराना। माल का बीमा कराना, देखिए जब माल जहाज के माध्यम से जाता है तो बहुत सारे खतरे रहते हैं। बहुत सारे खतरे का क्या तात्पर्य है कि जहाज समुद्र से जा रही, हो सकता है जहाज नष्ट हो जाए, हो सकता है कि जहाज लुटेरों द्वारा लूट ली जाए या कोई अन्य दुर्घटनाग्रस्त का कोई कारण हो, वो तो हो सकता है कुछ भी। तो यहाँ पे जहाज किसी भी जब माल होता है तो बीमा कराना, जब समुद्र के माध्यम से माल जाता है तो उसका बीमा कराना अनिवार्य होता है, आपको बीमा कराना ही पड़ेगा। माल का बीमा हमेशा क्या करना पड़ेगा कि आपको जितना माल है उससे हमेशा ज़्यादा का कराना चाहिए, 10-15% हमेशा माल का जो है बीमा वो ज़्यादा कराना चाहिए, उससे कर से माल का जो बीमा है वो कराना ज़रूरी होता है। अब एक अगला पॉइंट हो जाता है नौभाटक पत्र तैयार करना। नौभाटक या चार्टर पत्र तैयार करना, या चार्टर तैयार करना। देखिए क्या होता है ये चीज़ नौभाटक या चार्टर, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब व्यापारी बहुत अधिक मात्रा में माल भेजता है तो उसमें क्या होता है कि जहाज का एक बड़ा हिस्सा या पूरी जहाज किराए पे जब लेनी पड़ती है तो वो निर्यातक है वो जहाज से डायरेक्ट एक प्रपत्र तैयार करवाता है, इसे नौभाटक या चार्टर, क्योंकि वो पूरी जहाज या तो किराए में ले रहा है या तो उसका एक बड़ा हिस्सा, 1/2 भाग, 1/3 भाग या आधा भाग या 3/4 भाग, जितना भी अधिक किराए में लेगा तो उसके लिए वो चार्टर एक तैयार करता है नौभाटक व्यापारी से, तथा वहाँ के जो कप्तान होगा यानी कि जहाज का जो ओनर होगा या जिसके माध्यम से भेजी जाएगी जिस जहाज से, उसमें एक चार्टर तैयार करेगा, तो वही चार्टर नौभाटक पत्र कहलाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नौभाटक पत्र के बाद जब बात करेंगे तो आपका बीमा हो चुका है, अब निर्यातक को सूचना देना। निर्यातक को सूचना देना का मतलब क्या है यहाँ पे, निर्यातक को सूचना क्यों देगा, देखिए जब माल एजेंट के माध्यम से देगा भेजा जाएगा, सूचना देना, जब माल एजेंट के माध्यम से भेजा जाएगा तब जो है निर्यात व्यापार प्रक्रिया यानी कि निर्यातक को सूचना देनी पड़ेगी जो एजेंट माल को भेजेगा। यदि डायरेक्ट व्यापारी भेज रहा है तो वहाँ पे निर्यातक को सूचना का कोई तात्पर्य नहीं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पहले से सारी सूचनाएँ हैं। अब क्या हो जाएगा, सूचना देगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, निर्यात वीजक तैयार करना। बीजक कितने प्रकार के होते हैं ये अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, इसको हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। निर्यात बीजक तैयार करना, अब जो है बीजक जो है, अब जो व्यापारी है वो सारी डिटेल्स है, माल की जितनी भी डिटेल्स है, जितना खर्चा हुआ, जितना नग माल गया है, वो सारी डिटेल्स का एक प्रपत्र तैयार करेगा, उसको क्या करेगा, उस व्यापारी को भेजेगा जिसने माल मंगाया था, यानी कि आयातकर्ता को भेजेगा सारी डिटेल्स, पैकिंग कितने नग माल हैं, किस प्रकार की पैकिंग है और क्या क्या क्वालिटी है उस सामान की, वो सारी चीज़ें कितने का है, ये सारी चीज़ें कितने खर्चे हुए कहाँ पे, वो सारी डिटेल्स इसमें होगी, जो कि एक इंडेंट प्राप्त करते वक्त जब बंद इंडेंट होता है जो व्यापारी पूछता है, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे भी होंगी। तो निर्यातक बीजक तैयार करेगा और बैंक के माध्यम से या किसी डाक के माध्यम से क्या करेगा, उस आयातक को ये भेजेगा। ठीक है, भेजेगा। ठीक है, अब आयातक को सूचना देगा, जब ये बीजक तैयार कर लेगा तो बीजक को भेजेगा, और जब भेजेगा तो उसको सूचना प्राप्त करना, तो आयातक को सूचना प्रदान कर, आयातक को सूचना देना।
आयातक को सूचना देने का क्या तात्पर्य है? आप समझ जाइए कि जब माल तैयार कर लिया गया, अब जो निर्यातक है वो आयातक को सूचना देगा कि आपका माल है ये जहाज के माध्यम से भेज दिया गया है, ये है आपका बीजक है, उसमें की सारी डिटेल्स है, तो बीजक के माध्यम से उसको आयातक को वो सूचित करेगा। अब जब ये सूचना हो जाएगा तो अंतिम है जब उसको सूचना दे देगा, अब उसकी वहाँ पर माल पहुँचेगा, वो लेगा जो भी है, लेकिन अब यहाँ पर अंतिम पॉइंट जो है आयातक निर्यातक का जो काम बचता है वो पेमेंट प्राप्त करना। अब वो पेमेंट प्राप्त करेगा यानी कि क्या करेगा, भुगतान की प्राप्ति, भुगतान की प्राप्ति। ये भुगतान की प्राप्ति आपने पहले कि माल भेजने से पहले उसने साख पत्र लिया था, अब वो क्या करेगा, व्यापारी जो है आयातक है वो देखेगा कि माल वहाँ से भेज दिया गया है और माल, तो ये जो है निर्यातक है वो पेमेंट के लिए कहेगा, तो वो पेमेंट अपने बैंक के माध्यम से जो उसका बैंक होगा या किसी अन्य माध्यम से जो विनिमय दर निश्चित की गई थी उसी दर से वो क्या करेगा, वो पेमेंट इनको कर देगा। तो ये जो है निर्यात व्यापार की पूरी प्रक्रिया है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसमें कि एक छोटा सा टॉपिक है बीजक तैयार करना यानी कि बीजक के प्रकार। यहाँ पे बीजक के प्रकार परीक्षा में आपसे पूछ सकता है, तो चलिए हम देख लेते हैं बीजक कितने प्रकार के होते हैं, इसकी हम डिटेल्स में जानकारी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो बीजक के प्रकार हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम रुकते हैं, किसी कारणवश हम वीडियो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो बीजक के प्रकार हम अगली वीडियो में देख लेंगे कि कितने प्रकार के बीजक होते हैं। परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए ये मत भूलिएगा कि बीजक के प्रकार आपको छोड़ना है, इसको आपको पढ़ना ज़रूर है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे बीजक के प्रकार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।